ये मंदिर काफी प्राचीन है, अब देखोगे इसका स्ट्रक्चर से आपको पता चलेगा। मैं यहाँ से इतने बार गुजर चुका हूँ लेकिन आज तक कभी यहाँ पे रुका नहीं। Hey guys, good morning and welcome to the channel। तो आप देख सकते हो बैकग्राउंड में हम पहुँच चुके हैं लोनावला। तो आप पूछोगे लोनावला में मैं क्यों हूँ, तो एक लंबी राइड पे हम निकले हैं। एग्जैक्टली कहाँ पे मैं जाने वाला हूँ ये तो अभी भी मुझे पता नहीं, क्योंकि अभी भी हम इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हैं। आज का तो प्लान है कि हम कोल्हापुर पहुँचेंगे, 12 बजे तक पहुँचने चाहिए। वी आर कम्प्लीटेड अराउंड 100 किलोमीटर्स और 4:30 बजे निकले थे, डेढ़ घंटा हो चुका है। तो चलो फिर हम अभी यहाँ पे रुके हैं चाय पीने के लिए, चाय की चुस्की लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सो गाइस, अभी हमारे चाय पी के हो चुकी है और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। सोच रहे हैं कि पूना में जाके मैं ब्रेकफास्ट करूँ। चलो अभी देखते हैं, अभी यहाँ से तो निकल रहा हूँ मैं, आगे का आगे सोचेंगे, रास्ते में जैसा मूड बन गया वैसे नाश्ता करेंगे। थोड़े से बादल है, अभी सूरज आ चुका है लेकिन दिख नहीं रहा। यूजुअली मैं लोनावला में ब्रेकफास्ट करता हूँ एट मनस शक्ति, लेकिन इट इज़ टू अर्ली फॉर द ब्रेकफास्ट। तो थोड़ा सा डिस्टेंस क्रॉस करते हैं क्योंकि वैसे भी हमें दूर जाना है, कोल्हापुर जाना है। तो गाइस अभी हम पुणे क्रॉस कर चुके हैं, मैं अभी तक रुका नहीं है ब्रेकफास्ट के लिए। वजह ये थी कि तो एक कट मेरा मिस हो गया और मैं पुणे सिटी में चला गया था, मतलब ऑलमोस्ट 7-8 किलोमीटर अंदर जाके फिर मैं रिटर्न आया हूँ, तो थोड़ा टाइम उसमें बर्बाद हो गया। और आपको मालूम है पुणे में कितनी ट्रैफिक होती है, तो मैंने सोचा पहले पुणे क्रॉस करता हूँ और फिर कहीं पर रुक के ब्रेकफास्ट करते हैं। तो चलो फिर आगे चलते हैं, कोई अच्छी जगह देखते हैं और थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं भाई। सो गाइस अभी हम यहाँ पे रुके थे पेट्रोल भरने के लिए, ज़्यादा भरा नहीं मैंने, 500 का ही भरा, क्योंकि 500 में हम कर्नाटका क्रॉस करेंगे और कर्नाटका में सस्ता है पेट्रोल। हमने अभी तक किए 177 किलोमीटर्स, तो अभी मैं देखता हूँ कोई अच्छी जगह और ब्रेकफास्ट करता हूँ। और बजे हैं अभी 8:15 हो रहे हैं। सो गाइस अभी हम शिवापुर टोल प्लाजा क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे काफी पुलिस की फोर्स है और ये टोल प्लाजा पे काफी ट्रैफिक भी था, तो देखते हैं यहीं पे कहीं पे ब्रेकफास्ट मिलना चाहिए। मुझे कुछ ज्यादा हैवी खाना नहीं है, थोड़ा लाइट ही खाऊंगा और फिर लंच है वो हैवी करूंगा मैं। फिर आप देख सकते हो ये नदी है, काफी खूबसूरत लग रहा है। और अभी हम यहाँ से गुजर रहे हैं, एग्जैक्टली मुझे एरिया मालूम नहीं है, बट यहाँ पे जबरदस्त क्रॉसिंग है। तो अभी ये थोड़ा सा सेक्शन है जहाँ पे थोड़ा आपको दिख रहा है आस पास में कुछ है, लेकिन अभी हम पीछे से आ रहे थे, दोनों तरफ पूरा सा सपाट है, वैक्यूम है, तो वैक्यूम में ना क्रॉसविंड बहुत रहती है, अभी भी मतलब अच्छी खासी क्रॉसविंड है। अभी तक हम रुके नहीं है ब्रेकफास्ट के लिए। तो गाइस अभी हम यहाँ पे रुके हैं मुक्ताई गार्डन, देखते हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट में क्या है। और आपको अगर मैं बताऊं, ये कंप्लीटेड 218.9, मतलब ऑलमोस्ट 220 किलोमीटर के बाद हम रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए, दैट्स अ गुड थिंग। और अभी बजे हैं 8:47। सो गाइस ब्रेकफास्ट आ चुका है और ब्रेकफास्ट में हमने मंगाया है दादा पाव, आप देख सकते हो काफ़ी स्वादिष्ट लग रहा है। गाइस पोहा चाय, मतलब आई वुड गिव 8/10, काफ़ी भूख लगी है, तो जब भी भूख लगती है तो सब कुछ अच्छा लगता है, बट स्टिल इट्स गुड। तो गाइस पोहा ऑलमोस्ट खा के हो चुका है, तो और थोड़ी भूख लगी थी तो मैंने ये वड़ा मंगाया, तो और एक वड़ा आ चुका है, भूख काफ़ी लगी थी तो पोहा और दो वड़ा, तो अभी ये बड़ा खाके मैं निकलता हूँ, बिकॉज मैं ज़्यादा खाऊंगा नहीं तो भारी हो जाएगा। गाइस ब्रेकफास्ट हो चुका है और अच्छा था, बड़ा वॉज बेटर देन पोहा। और अभी हम कंबाटका घाट जहाँ से शुरू होता है उसी पॉइंट पे, आप देख सकते हो यहाँ से घाट शुरू होता है, मतलब ये जाने वाला रास्ता है और वो सामने जो दिख रहा है आपको वो आने वाला नीचे आने वाला रास्ता है। तो यहाँ से कोल्हापुर इज 167 किलोमीटर्स
इट शुड टेक 2.5 to 3 hours, 2.5 hours में ही पहुँच जाएंगे ज़्यादातर। तो चलो हम आगे मिलते हैं। आप एक घाट शुरू हो चुका है, ज़्यादा बड़ा घाट नहीं है, काफ़ी टाइम में गया हूँ यहाँ से। आप महाबलेश्वर जाते हो, गोवा जाते हो, अगर वाया पुणे तो आपको यहीं से जाना है। ओहो, यहाँ पे ये ट्रक बंद पड़ गया है। आप सोचो ये चढ़ाई पे, वो तो अच्छा है कि आने वाला रास्ता और जाने वाला रास्ता अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी रास्ते से आना है, इसी से जाना है, और अगर गाड़ी कोई बंद पड़ती है घाट में, बहुत इश्यू हो जाता है। गाइस ऑलमोस्ट हम ऊपर आ चुके हैं, ये यहाँ पे और एक ट्रक बंद पड़ चुका है। हमने जब से खंडाला घाट क्रॉस किया है, क्लाइमेट एकदम सुपर हो गया। मतलब जैसे मुंबई छोड़ दी तो इवन पुणे वॉज प्लेजेंट, काफ़ी अच्छा था मौसम। अभी थोड़ी थोड़ी हल्की सी गर्मी लग रही है, बट पता नहीं चल रहा है। टारगेट तो ये था कि हम 11 बजे तक कोल्हापुर पहुँचे, लेकिन क्या करें अभी। अगर वो पुणे वाला किस्सा नहीं होता था जहाँ पे मैं गलत कट में घुस गया और पुणे सिटी में इंटर कर किया मैंने, वहाँ पे ऑलमोस्ट आधा पौना घंटा मेरा वेस्ट हो गया। अगर वो नहीं होता था तो अभी तक मैं सातारा भी क्रॉस कर चुका रहता। तो अभी हम घाट की दूसरी तरफ आ गए, अभी ये पूरा नीचे गाड़ी उतरने वाला है। ज़्यादा बड़ा घाट नहीं है, लेकिन नज़ारे काफ़ी खूबसूरत है यहाँ पे। तो कहीं से अभी हम सातारा सिटी में आ चुके हैं, आप देख सकते हो। ये रोड यहाँ पे है ना, काफ़ी स्ट्रेट है, बहुत गड्ढा ला रहा है, मतलब वैसे झपकी ऐसे आ रही है। थोड़े ट्विस्टीज होते हैं, चढ़ाई उड़ाई होती है ना, तो मज़ा आता है। अभी स्ट्रेट रोड चल चल के बहुत गड्ढा ला रहा है। ये हम लोग कहीं पर रुकते हैं, थोड़ा पानी पीते हैं, थोड़ा मुझे प्यास लगी है। प्रॉब्लम ये है कि दोनों तरफ कहीं पर भी कुछ छांव नहीं है, पेड़ नहीं है। वैसे आप राइट साइड में देख सकते हो पहाड़ पे, वहाँ पे विंड मिल्स है, नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। ये मतलब मस्त लग रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी छांव लग रही है, तो यहाँ पे रुकते हैं कहीं पे और थोड़ा पानी भी दे रहे हैं, बहुत डिहाइड्रेशन हो गया। अरे साला छाँव है ही नहीं यहाँ पे। गाइस अभी हम यहाँ पे रुके हैं खाने पीने के लिए, छाँव थी थोड़ी यहाँ पे, देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत है ये हाईवे। सो गाइस 10 मिनट का ब्रेक हो चुका है, और घर पे भी मैंने फ़ोन किया, मैं कहाँ पे पहुँचा हूँ, उनको डिटेल्स दिए मेरे वेयरअबाउट्स के। अभी 274 किलोमीटर्स हमारे कवर हो चुके हैं और 130-135 किलोमीटर बाकी रहेंगे। तो चलो अभी यहाँ से निकलते हैं। मेरा फ़ोन भी काफ़ी गर्म हो चुका था, मैं भूल गया फ़ोन को बैग के अंदर डालने के लिए, क्योंकि ये पैनल है ना, यहाँ पे मैंने रखा था फ़ोन, तो धूप लगने की वजह से काफ़ी हीटअप हो गया था, इसके लिए मैंने जानबूझ के 10 मिनट का ब्रेक लिया ताकि वो भी ठंडा हो जाए। तो भाई सभी हम कराड़ सिटी क्रॉस कर रहे हैं, और यहाँ से कोल्हापुर अराउंड 70 किलोमीटर है, तो करीबन 1 घंटा और लगना चाहिए हमें कोल्हापुर पहुँचने के लिए। गाइस यहाँ पे पता नहीं कुछ जैम लग गया है, तो हम सर्विस रोड से आए हैं नीचे और फिर अभी दूसरी तरफ से जा रहे हैं। सारी गाड़ियाँ यहीं से जा रही थी, तो हमने सोचा चलो हम भी इनको फॉलो कर दें। गाइस ये कुछ 3-4 किलोमीटर का जैम था, तो अभी हम दूसरी तरफ से आके, एक सबवे था, सबवे से इस तरफ वापस अभी हाईवे पे आ गए। ऐसे एक्सीडेंट वगैरह हुआ रहेगा जिसकी वजह से इतनी जैम हो गया अचानक। सो गाइस अभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं किन्नी टोल नाका, यहाँ से कोल्हापुर 23 किलोमीटर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट लगने चाहिए। बस प्रॉब्लम ये है कि अभी हमें वहाँ पे जाके रूम ढूंढना है, क्योंकि आज रात को हम कोल्हापुर में रहने वाले हैं। सो गाइस आखिर में हम कोल्हापुर एंटर कर चुके हैं, अभी हमको यहाँ से राइट लेना है। ऊपर से ये रोड सीधा बेंगलोर जाता है, और देखिए ये लग गई यहाँ पे,
ट्रैफिक भाई। इसी सामने बोर्ड है, वेलकम टू कोल्हापुर। यहाँ से कोल्हापुर सिटी स्टार्ट होती है। तो अभी सबसे पहले हमको कोई कमरा देखना है। तो गाइस अभी हम कोल्हापुर में हैं, मैं एक होटल ढूंढ रहा हूँ। तो सोच रहा हूँ कि मंदिर तक जाता हूँ और मंदिर के आसपास ही कोई देखता हूँ, वहाँ पे कोई कमरा मिलता है। तो सिर्फ रात निकालनी है, कल सुबह हम फिर से निकलेंगे यहाँ से। तो चलो, यहाँ से कुछ 2 किलोमीटर है मंदिर, 5 मिनट दिखा रहा है, 1.2 किलोमीटर सॉरी। तो गाइस आखिर मैं रूम मिल चुका है। ऑलमोस्ट 1 घंटा मुझे घूमना पड़ा। इनफैक्ट जहाँ से मैं गुजरा था मुझे वापस वहीं पे आना पड़ा, मतलब मैं मंदिर की तरफ गया था, मंदिर से रिटर्न फिर से 2-2.5 किलोमीटर आ गया। और दिस इज हाउ द रूम लुक्स। बेसिक रूम है, booking.com से मैंने बुक किया। तो गाइस आई विल सजेस्ट कि आप अगर कहीं आप जा रहे हो तो पहले से बुक करो, क्योंकि है ना वहाँ पे जाने के बाद स्पेशली कोल्हापुर जैसी सिटी में जहाँ पे इतना ट्रैफिक है, एक एक रूम ढूंढना और फिर अपना सामान साथ में लेके घूमना बहुत दिक्कत होता है। तो चलो अभी मैं फ्रेश होता हूँ। तो गाइस अभी मैं चेंज करने ही वाला था और अचानक मुझे याद आ गया कि मेरे स्लीपर्स भूल गया। अभी देखते हैं, नीचे जाते हैं, कहीं पर मिलते हैं। तो गाइस हमारी नई स्लीपर आ चुकी है, हम देख सकते हो। सो दिस इज द न्यू स्लीपर। तो चलो कैसे भूल गया, मुझे अभी तक याद नहीं आ रहा मैं कैसे भूल गया। मतलब मैंने सोचा था, मैंने स्पेशली सैंड के लिए वो अलग से वो एक्वा शूज आते हैं वो मैं लेके आने वाला था, वो मेरे पास है भी है लेकिन भूल गया। चलो कोई नहीं, अगली बार। सो गाइस अभी हम निकले हैं मंदिर के लिए, इट्स 4:30 इन द आफ्टरनून। ऑफिस का काम किया, नहा लिया, फ्रेश हो गया और अभी मंदिर में जाके माता का दर्शन लेते हैं और फिर आसपास का कोई एरिया घूमते हैं। कोल्हापुर का काफ़ी फेमस लेक है रंगपाली, तो हम वहाँ दर्शन लेके बाद में वहाँ पे चलते हैं। कोई अंकल मिले जिन्होंने हमारा हेलमेट रख दिया अपने दुकान पे। तो अभी हम मंदिर में जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। वही अभी हमारे दर्शन हो चुके हैं, कैमरा यहाँ पे अंदर अलाउड नहीं है इसके लिए मैं बाहर से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है, अब देखोगे इसका स्ट्रक्चर से आपको पता चलेगा कि कितना प्राचीन है ये मंदिर। कैप्शंस में आपको मैं इसका हिस्ट्री बता दूंगा, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा हिस्ट्री याद रखने में मुश्किल हो जाता है। गाइस जैसे मैंने कहा अंदर कैमरा अलाउड नहीं है,
जितना मैं दिखा सकता हूँ उतना मैं दिखाया मैंने आपको। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो गाइस प्रसाद के साथ हमें जो हार मिला था, जो पंडित जी ने दिया था मंदिर में, हमने उसको काशी पे लगा दिया। तो अगर आप पूछोगे काशी कौन है, तो आपने मेरा शायद से पुराना वीडियो नहीं देखा है, हमने हमारी गाड़ी का नाम काशी रखा है। तो गाइस पेट्रोल ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया, मेरा अच्छा होकर ध्यान गया वरना बहुत दिक्कत हो जाती थी। तो जैसे मैंने कहा था, मैं सोच रहा था कर्नाटका में जाके फिल करूँगा, लेकिन लगता है मुझे यहाँ पे फिल करना ही पड़ेगा। तो अभी ये काम करता हूँ, 500 का डालता हूँ, दैट वुड बी गुड इनफ फॉर मी टू एंटर कर्नाटका। कर्नाटका की बॉर्डर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन हम शायद से कुछ प्लान में चेंज कर रहे हैं। अभी पता नहीं, कुछ सोचा है, लेकिन जब ये कन्फर्म हो जाएगा तब मैं आपको बताऊँगा एग्जैक्टली क्या है। तब तक तो हम एक ही प्लान है कि भाई कल सुबह निकलना है यहाँ से एंड विल बी गोइंग टू गोकर्णा। सो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं, दिस इज़ द रंकाला लेक, रंकाला तालाब बोलते हैं यहाँ पे कोल्हापुर में से। सब देख सकते हैं गाइस ये कितना खूबसूरत है। मैं यहाँ से इतने बार गुजर चुका हूँ लेकिन आज तक कभी यहाँ पे रुका नहीं, मतलब यूजुअली इट वाज अर्ली इन द मॉर्निंग और लेट इन द इवनिंग, और इतनी घाई में रहता था कि कभी यहाँ पे रुकने का मौका ही नहीं मिला। बट देन आप देख सकते हो, दिस इज़ व्हाट आई वाज मिसिंग ऑल दिस डेज। सो गाइस अभी हम यहाँ से रंकाला तालाब से निकल रहे हैं। तो गाइस रूम पे आ चुका हूँ, 7:45 बज चुके हैं। तो अभी हम खाना खाएंगे और मैं सो जाऊँगा, बहुत थक गया हूँ क्योंकि रात को सिर्फ 2.5-3 घंटे सो के पूरी दिन मैंने गाड़ी चलाई है, और अभी आने के बाद भी मैं कंटिन्यू घूम रहा हूँ। तो गाइस होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया हो, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए गुड बाय।